तो यार अपना फ्रेंड आ गया है निरंजन भाई 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 भाई, 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 भाई क्या हाल क्या हाल क्या हाल। थोड़ा लेट हो गया। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलता शुरू हो गया है। तो भाई ये अपना फ्रेंड है, यहाँ यहीं पे रहते हैं। कहाँ पे रहते हो आप? यहाँ पे चंद्रगिरी में भाई रहता है अपना। वो मेरा दोस्त है समीर। हाय ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? समीर। समीर, तो ये है समीर भाई और ये हमारे निरंजन भाई। और अभी कहाँ जा रहे हैं भाई अपन? चलो चलो जहाँ भी चलना है चलो। यार मैं तो परेशान हो गया हूँ अभी यहाँ पे। हॉस्टल का मेरा वो काम पक्का हो गया था। हॉस्टल मैंने होटल बुक किया था और वो वाला साला ये हॉस्टल बुक कर दिया। यार दिमाग खराब हो गया, बहुत प्रॉब्लम हुई अभी। तो अभी आया हूँ यहाँ पे भी मैं। चलो जहाँ भी चलते हैं भाई, अभी आपको अपडेट देते हैं। ठीक है ठीक है। चिकन मोमोज ऑर्डर किया है 180 नेपाली रुपीज का ये। और भाई लोग हमारे पी रहे हैं चाय, वो भी कौन सी? ब्लैक वाली। ब्लैक वाली, ब्लैक टी पीते हैं यहाँ पे, मिल्क से ज्यादा ब्लैक टी पीते हैं यहाँ पे। और ये भाई अपना इसका भी YouTube चैनल है, क्या नाम है भाई आपके? YouTube पे समीर तामरकर। समीर तामरकर है तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं। तो नेपाल के सिनेमेटिक बहुत अच्छे मिलेंगे भाई के चैनल पे। तो बस अभी खा के फिर भाई अपन निकल रहे हैं। अभी ये कहाँ जा रहे हैं? मंकी टेम्पल जाएंगे अपन। तो भाई अब हम निकल चुके हैं मंकी टेम्पल के लिए। और ये हमारे जो समीर भाई है ये बाइक चला रहे हैं। और हमने ये कर ली है बुक, पठाओ जो यहाँ की बाइक एप्लीकेशन है उससे पठाओ बुक कर दी है। और पठाओ पे ये हमारे निरंजन भाई जो है बैठे हैं, क्योंकि ये एक गाड़ी लेके आए थे और एक गाड़ी में दो सवारी है, तीन सवारी भाई यहाँ अलाउ नहीं है, पुलिस चालान काट देगी, तो इसीलिए फिर रिस्क नहीं ले रहे हैं। और ये कितना किलोमीटर है मंकी टेम्पल? 5 किलोमीटर है मंकी टेम्पल। मंकी टेम्पल ऊपर तो हमको चढ़ के जाना पड़ेगा। ये रास्ते से भी जा सकते हैं ना? हाँ। अच्छा पैदल पैदल ये लंबा पड़ता है थोड़ा रास्ता। हाँ। अच्छा और वो आगे वाला अपन वाला बाइक वाला जो वो शॉर्ट पड़ जाएगा। चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, काफी हद तक तो बाइक चली जाएगी। हाँ। और उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा यहाँ पर। तो और नीचे के रास्ते जाओगे पूरी सीढ़ियाँ हैं, बहुत लंबा पड़ जाएगा। और देखो मंकी थोड़ा ठंड भी पड़ गया है यहाँ पे। हाँ, पहाड़ी एरिया के हिसाब से थोड़ी सी हाइट पे है। हमारे निरंजन भाई पहले पहुंच गए क्या? पठाओ से। पठाओ से कितना लगता है पार्किंग का? 10 रुपये। 10 रुपये सही। तो भाई ये यहाँ का टिकट है 50 नेपाली रुपीस का टिकट है यहाँ पे। और ये इंडियन लोगों के लिए 50 रुपीस का है और फॉरेनर लोगों के लिए, फॉरेनर के लिए और महंगा है। 250 फॉरेनर्स के लिए, 50 रुपीस इंडियंस के लिए, और हमारे नेपाली भाई लोगों के लिए फ्री है। हमारे ये सही है। तो यहाँ पे भाई कॉइन वगैरह डालो आप, तो ये जो वो अंदर डालेगा वो लकी हो जाएगा। अच्छा वो उसके अंदर डालेगा वो लकी है। वो तो लकी नहीं है, वो तो उसने 4-5 बार ट्राई कर लिया। अरे गया गया गया, ये भाई का गया। वो यार वहाँ कितना अच्छा नजारा दिख रहा है यार। ये कौन सी जगह, कौन सी है? ये बालाजू है क्या? मेन ऊपर है ना। इस GoPro से भी थोड़ा सिखाना सिनेमैटिक कैसा बनाता है। क्यों भाई मैंने ये आपको पता है दिल्ली से ही लिया है ये 3 दिन पहले ही। तो ऑब्वियस है कि अब मुझे सीखना भी पड़ेगा इसको। ये बड़ा वाला स्तूपा ये शंभुनाथ। शंभुनाथ। हाँ। अच्छा तो यार अभी समीर भाई ने मुझे सिखाया है कुछ एक सिनेमैटिक शॉट्स। तो चलो उन सिनेमैटिक शॉट्स का एंजॉय लीजिए आप, और कैसे लगे मुझे कमेंट जरूर करें।
रास्ता जो मैंने कहा था ना लॉन्ग वाला रास्ता, तो ये देख लो भाई, ये कितनी सारी सीढ़ियां, कितनी सीढ़ियां होगी भाई ये निरंजन भाई? अच्छा 1000 लगभग। ये इसका नाम है ठुलो बड़ेंग। ठुलो बड़ेंग मींस लंबी बड़ेंग। अच्छा लंबी बड़ेंग, ये छोटी बड़ेंग वाला वो पीछे हो गया। यहाँ से चढ़ने में भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो आपके पास अगर बाइक वगैरह है तो वो पीछे वाले रास्ते से आए आप यार। भाई यहाँ का नजारा, अरे यार भाई 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 बहुत प्यारा लग रहा है यार। हाँ सच में उस जमाने में एक लेक था। अच्छा वो सिंधु पुरानी हिस्ट्री से 4th-5th सेंचुरी में लिखा हुआ था कि उस जमाने में ये काठमांडू वैली नहीं था। हाँ एक जमाने में ये लेक था, पूरा लेक हुआ करता था, है ना? लेकिन फिर बाद में ये शंभु शंभु, हाँ जो जिनका मंदिर है, शिव जी स्वयं स्वयं मींस सेल्फ सेल्फ हु मींस भूभाग आइलैंड, उसका मतलब स्वयं सेल्फ क्रिएट हुआ, सेल्फ क्रिएट हुआ, इसलिए इसके नाम से बना हुआ। अच्छा अच्छा, तो सेल्फ क्रिएट क्या हुआ था ये? ये एक जमाने में एक यहाँ लेक हुआ था, लेक हुआ था, तो बीच में एक लोटस खुली। हाँ लोटस से ये आइलैंड और ये शंभु उत्पन्न हुआ। अच्छा ये पूरा ये बना जो, तो भी उसी समय पे वो चाइना से एक बोधिसत्व आ गया। हाँ उसका नाम मंजुश्री बुद्ध है। हाँ शब्द है, वो आकर यहाँ पे रहने के लिए बंदोबस्त कर लिए, करने के लिए यहाँ पर आ गया। तो उधर चौबार पे उसका हथियार है ना, वो रॉक काट दिया। अच्छा तो इसका पानी सारा चला गया, सारा पानी, और फिर ये लैंड हो गया है ना, और उसके बाद यहाँ पे बस्ती वगैरह हो गई। और बस्ती भाई ऐसी हुई जो पूछो मत, कितना शानदार है यार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना। ये मौसम क्लियर हुआ तो वो ये सराउंडिंग अच्छा, ये पूरा दिखेगा और उधर का भी दिखेगा ना, उस साइड पे भी ये पूरा हिल है, उधर हिल है, ऐसा हिल है, पर अभी नहीं दिख रहा है हिल, अभी पूरा वहाँ पे धुंध हो रखा है इसलिए हिल नहीं दिख रहा है, नहीं तो वैसा हिल है भाई। और ये पूरा काठमांडू जो है पूरा भाई ये पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, नज़ारा बहुत प्यारा है यार सच में। ये लगभग लगभग भाई ये गैंगटॉक सिटी जैसा लग रहा है, बस गैंगटॉक में ये है कि वो हाइट पे है वहाँ पे, क्या हाइट वहाँ ऐसे होता है, स्टेप बाय स्टेप है, और यहाँ पे वैसा नहीं है, पर नज़दीक नज़दीक सारे मकान बने हुए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फोटोग्राफी के लिए, सेल्फी के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये, इट्स ए रियली नाइस प्लेस। स्वयंभू टेम्पल है इसका नाम, लेकिन यहाँ पे मंकी वगैरह बहुत ज़्यादा आने लगे तो लोगों ने इसका नाम मंकी टेम्पल रख दिया, वही उसी तरह से फेमस हो गया, लेकिन एक्चुअल में नाम स्वयंभू है इसका। हाँ भजन चल रहा है वहाँ, भजन चल रहा है ना, नेपाली भजन, और देख लेंगे। अरे बढ़िया बढ़िया यार, तो भाई यहाँ पे चल रहा है भजन वगैरह चल रहा है, ये बुद्धिस्ट भजन है भाई ये, और ये अपने लैंग्वेज में ये गाना गा रहे हैं। तो भाई ये भी एक छोर है, और ये बंदर देख रहे हैं यार कितना प्यारा लग रहा है, और यार सनसेट कितना अच्छा लग रहा है आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा ये भाई ये है नज़ारे यहाँ के, तो एक काइंड ऑफ मतलब प्लेस है जहाँ पे कपल्स वगैरह फ्रेंड्स वगैरह उसके साथ आप यहाँ पे आराम से टाइम पास कर सकते हो, फोटोज़ वगैरह का आनंद ले सकते हो। यार पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी ये जगह यार, देखो यहाँ पे हिस्ट्री भी है और यहाँ पे इतना कल्चर वगैरह जो दिख रहा है वो बढ़िया है। सारे सिनेमेटिक शॉट देखे हैं वो मैंने निकाले, वो मेरे को भाई ने सिखाया है हमारे समीर भाई, जो ऑलरेडी भाई इनका चैनल जरूर चेकआउट करना, उस पर आपको बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स मिलेंगे। Thank you.
चाइनीज ब्लॉक, ईटे नहीं है वो, चाइनीज ब्लॉक से वो बना हुआ है। और अभी हम भाई थोड़ा कुछ तो अभी थोड़ा चाय कॉफ़ी पीकर हम फिर वापस जाएंगे थमेल मार्केट में। ये रास्ता कहाँ जाता है भाई? भाई एडवेंचर तो फुल है यार यहाँ पर। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ओके भैया, भैया वीडियो सेंड कर देना। ये तो यार वो व्लॉग वाला है, ये तो सेंड नहीं हो पाएगा। आप व्लॉग में आ जाएगा, आप व्लॉग देखो ना, व्लॉग में आ जाएगा अपना व्लॉग वीडियो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये है ना अपन टू वर्ल्ड बस। ये आप कहाँ से हैं? पटना, फ्रॉम पटना। पटना से? पटना से हो गया? आप कहाँ से? अच्छा अच्छा, मैं तो यार जोधपुर से हूँ ना। फिर जोधपुर, जोधपुर राजस्थान, राजस्थान। आपका फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम फ्रॉम नेपाल। ओह सेम टू सेम, वो भी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, और मैं भी इंडियन रेलवे बुकिंग कर सीनियर चीफ बुकिंग सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, पाटलिपुत्र जंक्शन। और ये चाचा जी है, साथ में फैमिली के साथ आए, विजिलेंस इंस्पेक्टर फ्रॉम इंडियन रेलवे। चलो बढ़िया, कैसा लगा नेपाल? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ आए, लग नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम आए। यहाँ का बहुत ही अच्छा नेचर है, और ये बहुत अच्छा अच्छा एटमोसफेयर है, और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं, कोई झूठ नहीं बोलते हैं, सच बताते हैं, और बहुत कॉपरेट कॉपरेट कर। चलो बढ़िया है जी, ऐसे जी हम तो भाई तो भाई है ना। हाँ सही है, ये हमारा भाई है, ये भी अपने नेपाल से, ये मेरा फ्रेंड है, और भाई ये साथ में अपने को घुमा रहा है। चलो भाई अच्छा लगा मिलके। तो चलो यार अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और थैंक यू सो मच हमारे समीर भाई और हमारे निरंजन भाई को कि वो यहाँ पे मुझे लेके आए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया, बहुत अच्छी अच्छे से मतलब उसका हिस्ट्री समझाया, दिखाया, और स्पेशली भाई हाँ तुझे अपना बनाने का जुनू सर पे है कब से है। ये तो नया वाला हो गया ना, पुराना नहीं हुआ, पुराने में ज्यादा मजा है। चलो ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, बाय बाय, टेक केयर। जिंदगी नहीं तेरी मेरी कहानी है। ये हम हैं, ये हमारा बाइक है, और ये हम थमेल जा रहे हैं। ये है लोड। ले जा घुमाऊं मन थमल बजारा।